नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी और इस समय मौजूद हूं भोपाल से सटे हुए आशापुरी गांव में। आशापुरी गांव में हम जन चौपाल कर रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाएंगे। गांव के लोग मौजूद हैं और आशा लेकर ही बैठे हुए हैं। सरकार हर योजना का लाभ हर एक छोटे से छोटे गांव तक पहुंचाने की बात करती है, पहुंचाने की कोशिश भी करती है और पहुंच भी रहा है, लेकिन गांव के लोगों को क्या कुछ लाभ मिल रहा है, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है। हम सबसे बड़ी पहले बात करेंगे कि गरीब वर्ग को सम्मान मिला है। चाचा, गरीब वर्ग को सम्मान सरकार दे रही है, क्या कुछ कहना है आपका? गौ चावल तो मिल रहा है। आपके यहाँ संबल कार्ड सरकार बना रही है, संबल कार्ड योजना का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है? पहले नंबर तो ये बता दूं कि वर्तमान में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली तमाम योजना का गरीब वर्ग को लाभ मिल रहा है। जैसे कि एक समय था पैसे वालों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाते थे, लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार के तहत योजना चल रही है, इसमें गरीब का बच्चा भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। साथ ही गरीबों के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, किसान सम्मान निधि है, ऐसी तमाम योजना है, लाभान्वित हो रहा है गरीब। अम्मा, बिजली पहुंच रही है घर आपके? हाँ, पहुंच रही है बिजली। तो पहले के समय में क्या होता था? चिमनी जलाते, बिजली मिल रही है और राशन कार्ड मिल रहा है। गेहूँ चावल मिल रहा है? हाँ, सरकार राशन कार्ड दे रही है। हाँ, मिल रहा है गेहूँ चावल भी। क्या कुछ कहना है आपका सरकार को? हाँ, ₹2,000 किसान योजना का भी मिल रहा है और बच्चे भी अच्छे स्कूल में जब पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि हर जाति के लोगों को हम ऊपर उठा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सम्मान तो बहुत कुछ मिल रहा है सरकार से, ऐसा नहीं है। काका, आवास योजना सरकार चला रही है, आवास मिला है? हाँ, आवास मिला। कितना मिला है? एक कुटी मिली थी। अच्छा जी, तो आवास योजना का लाभ आपको मिला है, सरकार को क्या कहेंगे आप? नहीं तो ठीक किया उन्होंने, मतलब ठीक है। सरकार आहार अनुदान चला रही है, पता है आपको? आहार मिल रहा है? मिल रहा है। क्या मिलता है बताइए थोड़ा? गेहूँ चावल नॉन। सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जोर दे रहे हैं कि मजदूरों को स्कूटर दिया जाएगा, ₹40,000 उनको दिया जाएगा। ये सरकार की योजना है, अभी तो चालू नहीं हुई, मगर जब भी चालू होगी लोगों के सन्यान में जो लोग नहीं जानते वो भी जानेंगे। जब 80,000 की चीज आधे पैसे सरकार देगी, आधा जो खरीद रहा वो देगा, तो बहुत खुशी का माहौल रहेगा। और ये सरकार की योजना का लगभग गरीब तबके के लोग खासकर उठाएंगे, जिनके पास आज तक वाहन नहीं हो। 40,000 की छूट मिलेगी, 80,000 रुपये, उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा जाएगा। अभी ये योजना चालू हुई है, कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे संबल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, बिजली है और भी योजनाएं हैं जो पहुंच रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिजली पर्याप्त मिल रही है। संबल कार्ड मतलब कुछ लोगों में अभी इशू हुए हैं। तो जिस तरीके से जन चौपाल के माध्यम से हमने देखा है कि आशापुरी गांव के लोगों का कहना है कि जो सरकार योजना ला रही है उन योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो जानकारी के अभाव के वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से उनकी रीति और नीति है कि हर गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और गरीबों को सम्मान मिले, वो सम्मान आज गरीबों और आम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।